हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में कि इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या क्या रैंक्स होती हैं और कैसे कैसे होती है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में आप दो तरीके से कमीशन होते हैं। एक होता है दोस्तों GD जनरल ड्यूटी, और एक होता है DB डोमेस्टिक ब्रांच, और एक और होता है फ्रेंड्स जो कि आपका ऑफिसर लेवल के होते हैं, जो यांत्रिक जिन्हें हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बनते हैं नाविक। सबसे पहले दोस्तों एज अगर आप GD जाते हैं तो आप लेवल 3rd के अंतर्गत आते हैं और नाविक बनते हैं, जिसका लेवल 3rd होता है। अब दोस्तों नाविक जो प्रमोट होके बनता है वो बनते हैं उत्तम नाविक। उत्तम नाविक का जो लेवल है वो लेवल 4 का है, और इस तरीके का आपके बैच लगा होता है। उत्तम नाविक दोस्तों प्रमोट होकर के बनते हैं प्रधान नाविक, जो कि लेवल 5 का होता है। प्रधान नाविक दोस्तों ये इंडियन आर्मी में एज अ हवलदार के बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रधान नाविक। और दोस्तों प्रधान नाविक के बाद आप बनते हैं अधिकारी। अधिकारी का लेवल 6 होता है, और यहाँ पे इस तरीके का अधिकारी के कंधे पे इस तरीके का बैच लगा होता है। अधिकारी प्रमोट होकर के बनते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी दोस्तों इस तरीके का होता है, और यहाँ पे देखिए बैच लगा होता है, और जो है एक पट्टी लगी होती है, जिनका लेवल 7 होता है। और GD की जो सबसे बड़ी पोस्ट है दोस्तों वो है प्रधान अधिकारी की। प्रधान अधिकारी के यहाँ पे एक अशोक होता है और दो फीति इस तरीके से लगी होती है। ये दोस्तों GD की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अब फ्रेंड्स ऑफिसर लेवल की बात करें तो ऑफिसर में सबसे पहले आप बनते हैं यांत्रिक, जिनका लेवल 5 होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उत्तम यांत्रिक बनते हैं, जिनका भी लेवल 5 होता है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों उत्तम जो यांत्रिक है वो प्रमोट होकर के बनते हैं प्रधान यांत्रिक। प्रधान यांत्रिक कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रधान यांत्रिक दोस्तों लेवल 6 के होते हैं। प्रधान यांत्रिक जो है ये आपका प्रमोट होकर के बनते हैं सहायक इंजीनियर। सहायक इंजीनियर दोस्तों इस तरीके के होते हैं, और जो है इनका भी लेवल 6 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बनते हैं उत्तम सहायक इंजीनियर, जिनका लेवल 7 होता है, 7+ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सहायक इंजीनियर, उत्तम सहायक इंजीनियर, जिनके यहाँ पे दो पट्टी होती है और इस तरीके का क्रॉस का निशान होता है। और उत्तम सहायक इंजीनियर प्रमोट होकर के दोस्तों सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो होती है प्रधान सहायक इंजीनियर की। तो प्रधान सहायक इंजीनियर, आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है इस वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।